صباحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम से वादा किया कि जो तेरी इहानत चाहेगा मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। हम देखते हैं कि यह पेशगोई बहुत बार पूरी हुई। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी ये पूरी हुई और आज तक पूरी हो रही है। जिसने भी आप अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा की मुखालफत की, अल्लाह ने उन सब को जलील और रुस्वा कर दिया। चंद दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी यही हुआ। पिछले सालों में उन्होंने बहुत मुखालफत की, लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो तो हकीकी मुसलमान ही नहीं और शराब के साथ भी काम करते हैं। तू मास कहते हैं वो आपको एकदम नजर आएगी। और जिन्होंने एक बहुत बड़ी उर्दगान ने मस्जिद बनाई है ब्लू मास तरह की, उन्हीं के इंजीनियर्स को हायर करके टर्की वाले यहाँ एक महीना रह गए हैं और उनके साथ सारी डिस्कशन भी हो चुकी है और साल के अंदर अंदर वो बाहर निकल आएगी। जो मस्जिद उसमें ख्वातीन के नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन सिर्फ वो बाहर लिखा होगा एक कादियानी यहाँ अंदर नहीं आ सकते। साबिक वजीर आला पंजाब का ड्राइवर और गनमैन इस्लामाबाद से शराब ले जाते गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के मुबैना ड्राइवर और गनमैन को ब्रीफ केस में शराब की बोतलें ले जाते पकड़ लिया। मुलजिमों ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया कि वो साबिक वजीर आला की हिदायत पर शराब लेने आए थे। मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि फहीम और इरशाद नामी शख्स जो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुलाजमत करता है, बतौर फ्रंटमैन चौधरी परवेज इलाही के लिए पैसों के लेन देन में मुलविस है और उनके लिए प्राइवेट पार्टीज का भी इंतजाम करते हैं। मुलजिमों ने मजीद बताया कि आसिम चीमा जो कि पंजाब असम्बली में मुलाजिम है, परवेज इलाही के लिए लाहौर में निजी महफिलों का इंतजाम करता है और ये शराब भी इस्लामाबाद से इसी मकसद के लिए मंगवाई गयी थी। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. सल्ले अला मुहम्मदी।